हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 4 जून 2022 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, साथ ही हम बात करेंगे इनके सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष तेलंगाना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो तेलंगाना का स्थापना दिवस जो मनाया जाता है, हमारा ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 2 जून। जो तेलंगाना हमारा अलग हुआ था, ये हमारा 2 जून 2014 को अगर देखा जाए तो भारत का 29वां राज्य बना था। और ये किससे अलग हुआ था? तो ये हमारा आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। और अगर देखा जाए आंध्र प्रदेश हमारा कब स्थापित हुआ था, तो ये 1953 में पहला भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य था। और इसी से 2014 में हमारा एक राज्य अलग हो गया, तेलंगाना। और हमारे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में एक समझौता भी है जिसको बोला जाता है जेंटलमैन समझौता। तो जेंटलमैन जो समझौता है, ये हमारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य है। और ये समझौता जो हुआ था, ये हमारा हुआ था 1956 में। तो ये समझौता भी आपको याद रखना है। और साथ ही अगर बात आती है, अगर देखा जाए तो हमारा तेलंगाना में एक बड़ा ही फेमस मंदिर है, रामप्पा मंदिर। तो रामप्पा मंदिर हमारा तेलंगाना में है, जो कि यूनेस्को में शामिल है। और यूनेस्को में कौन से नंबर पर आता है? तो ये 39 नंबर पे यूनेस्को में आता है। और अगर बात आती है यूनेस्को में कुल कितनी हमारी साइट है, तो हमारी कुल है 40, जिसमें से नवीनतम है धोलावीरा गुजरात। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, चर्चा में रही फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी अगर देखा जाए, ये हमारी है उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। और अगर बात आती है इसे हमारा यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो इसे हमारा यूनेस्को में 1982 में शामिल किया गया था यूनेस्को में, फूलों की घाटी उत्तराखंड को। और ये कौन से जानवरों के लिए फेमस है? तो ये एक तो हमारा फेमस है कस्तूरी मृग के लिए, और अगर दूसरा हम बात करें तो दूसरा हमारा है हेम तेंदुआ। तो इन दोनों के लिए हमारा फूलों की घाटी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और यहीं फूलों की घाटी में हमारा एक नेशनल पार्क भी है, जिसका नाम है नंदा देवी नेशनल पार्क। ये हमारा फूलों की घाटी में ही है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और अगर बात आती है उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में हमारा भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान था हैली नेशनल पार्क, जिसका नाम बदल के जिम कार्बेट कर दिया गया। और अभी जिसका नाम फिर से एक बार चेंज हुआ है, अब उसका नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2021 से लेकर 24 में भारत से वस्त्रों के शीर्ष निर्यात गंतव्य देश कौन सा है? तो भारत से जो सबसे ज्यादा निर्यात हुआ है वस्त्रों का कहाँ हुआ है? अमेरिका में हुआ है। और अमेरिका में अगर देखा जाए तो वस्त्रों का हुआ है, और स्पेशली कौन से वस्त्रों का हुआ है? तो ये हुआ है सूती वस्त्रों का। और भारत ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इसने भारत ने हमारे 44.4 बिलियन US डॉलर, इतना ज्यादा अगर देखा जाए, इतने का इसने रिकॉर्ड बनाया है निर्यात करने के मामले में। तो भारत से वस्त्रों का निर्यात हुआ है, और जिसमें शीर्ष पर है कौन सा? अमेरिका। और सर्वाधिक कौन से वस्त्र भेजे हैं? सूती वस्त्र भेजे हैं। तो अगर अब यहाँ अगर देखा जाए तो सूती वस्त्र से एक क्वेश्चन ये आता है कि सूती वस्त्र के लिए जो सबसे फेमस है पूरे वर्ल्ड में, वो कौन सा है? मैनचेस्टर। और मैनचेस्टर कहाँ है? इंग्लैंड में। और अगर बात आती है भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो भारत का बोलते हैं हमारा अहमदाबाद को। और अहमदाबाद के अलावा अगर बात आती है उत्तर भारत का, तो उत्तर भारत का हमारा कानपुर। और अगर हमारी बात आती है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो वो है कोयम्बटूर। तो ये भी आपको याद रखना है। तो हमारा भारत का है अहमदाबाद, उत्तर भारत का कानपुर, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर, और सूती वस्त्र के लिए मैनचेस्टर माने जाते हैं। तो ये भी हमें याद रखना है। और अगर बात आती है जैसे कपड़ों से रिलेटेड है, तो एक भारत में पार्क लगा है, एक हमारा कौन सा पार्क है? टेक्सटाइल पार्क। तो टेक्सटाइल पार्क जो है वो कितने हैं भारत में? 7 हैं। और कौन सी योजना के तहत हैं? तो ये मित्रा योजना के तहत भारत में 7 टेक्सटाइल पार्क लगाए जाएंगे। ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो अगर यहाँ अगर देखा जाए, अभी एक रैंकिंग आई है किसकी? टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी, तो एशिया की है। अब इसमें एशिया में अगर देखा जाए भारत का कौन सा संस्थान है, तो भारत में अगर देखा जाए हमारा ऑप्शन डी IISc बेंगलोर, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कंप्यूटर। तो इसकी बात अगर आती है, तो ये हमारा देखा जाए तो भारत में शीर्ष स्थान पर है, और ये टॉप 100 में 42वें स्थान पर है। और अगर हम बात करें पहले स्थान पर, तो चीन की सुंगवा यूनिवर्सिटी है।
तो भारत का एक है हमारा टॉप 100 में 42वें स्थान पर आईआईएससी बेंगलोर, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में टॉप 500 सुपर कंप्यूटर के लिस्ट में किसे दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चुना गया है। तो अभी तक अगर बात आती है, यहाँ हमारी लिस्ट आई है सुपर 500 सुपर कंप्यूटर टॉप, अब अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे फुगाकू जापान का, लेकिन अब इसे बीट कर दिया किसने, अमेरिका के फ्रंटियर ने। तो अब जो हमारा दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो है अमेरिका का फ्रंटियर, तो हमें ये याद रखना है अमेरिका का फ्रंटियर। और अगर बात आती है भारत का भी कोई इसमें शामिल है 500 में, तो भारत का भी शामिल है परम सिद्धि AI भारत, ये है हमारा 111वें नंबर पे। पहले नंबर पे आ गया है फर्स्ट पे अमेरिका का फ्रंटियर, दूसरे नंबर पर है हमारा जापान का फुगाकू, और भारत का परम सिद्धि AI है 111वें नंबर पर। और भारत में ही अगर देखा जाए तो भारत में अभी हमने देखे थे एक तो हमारा था परम गंगा, और परम गंगा कहाँ था, IIT रुड़की में। अगर बात आती है परम अनंत, तो परम अनंत था IIT गांधीनगर। परम पोरुल, तो परम पोरुल जो है ये हमारा है NIT तिरुचुपल्ली में। और अगर बात आती है हमारा परम शक्ति, तो ये हमारा देखने को मिलता है IIT खड़गपुर में। तो परम गंगा, परम अनंत, परम पोरुल और परम शक्ति, ये भी हमें याद रखना है। और हमें एक और याद रखना है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम 8000, तो परम 8000 भी याद रखना है। इसके अलावा हमारे ये सभी भी याद रखने हैं। और इस समय जो भारत में शामिल हुआ है सबसे तेज कौन सा है भारत का, वो हमारा 111वें स्थान पर है परम सिद्धि AI। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, ये एक डिपार्टमेंट आता है हमारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत, और इसे जो हमारा बनाया गया था नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो को, इसे बनाया गया था 1978 में पांडे समिति के द्वारा, और पांडे समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। और बाद में इसी को अगर देखा जाए 1987 में हमारा पुनर्गठन कर दिया गया और जो हमारा उड्डयन मंत्रालय में शामिल कर दिया गया। अब बात आती है वर्तमान में इसके अभी निदेशक नियुक्त हुए हैं तो कौन हुए हैं, तो ये हुए हैं हमारे ऑप्शन बी जुल्फिकार हसन, और ये भारत के एक IPS ऑफिसर हैं। इन्हें ही अगर देखा जाए तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में वेस्टइंडीज के किस खिलाड़ी को पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सितारा ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। अब पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान का जो सर्वोच्च पुरस्कार है पहले नंबर पे वो है निशान ए पाकिस्तान, और दूसरे नंबर पर आता है हिलाल ए पाकिस्तान, जो पाकिस्तान ने बिल गेट्स को देने की बात कही थी लेकिन बिल गेट्स ने लेने से मना कर दिया था। और अब बात आती है पाकिस्तान का तीसरा सर्वोच्च तो कौन सा है, सितारा ए पाकिस्तान, और ये किसको दिया गया है, तो ये है हमारा वेस्टइंडीज के खिलाड़ी डैरेन सैमी। तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर है, डैरेन सैमी को दिया गया है और ये वेस्टइंडीज के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, 2 से 3 जून 2022 को कहां पर स्टॉकहोम प्लस 50 का आयोजन किया जा रहा है। अब स्टॉकहोम 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पहला हमारा फर्स्ट स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था ये हुआ था हमारा 1972 में, और ये 1972 में जो हुआ था ये हमारा कहाँ हुआ था, ये हुआ था हमारा पहला सम्मेलन स्वीडन में। तो ये हमें याद रखना है, पहला जो सम्मेलन हुआ है वो हमारा 72 में कहाँ हुआ है, स्वीडन में, और जिसमें कितने देशों ने भाग लिया था, तो 122 देशों ने उस समय भाग लिया था, जो सतत विकास की बात करता है। जो हमारा स्टॉकहोम है ये किसकी बात करता है, सतत विकास की, मतलब अपना ही विकास करो लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण का भी विकास करो, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। और इसमें अगर देखा जाए जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अभी हाल में अगर देखा जाए लक्ष्य रखे गए तो 17 लक्ष्य रखे गए हैं, जिन्हें 2015 से लेकर 2030 के बीच में पूरा करना है। अब ये आया था हमारा पहला हुआ था 1972 में, अब चल रही है 2022, अब 72 से लेकर 22 में अगर देखा जाए तो यहाँ हमारे हो गए 50 साल, और 50 साल पूरे होने की खुशी में स्टॉकहोम प्लस 50 का आयोजन किया जा रहा है। अब स्टॉकहोम जहाँ पहला हुआ था वहीं हमारा 50वां होगा, यानी कि ये भी हमारा कहाँ होगा, स्वीडन में, तो हमारा ऑप्शन डी स्वीडन, स्वीडन इसका सही आंसर है, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहने वाला शब्द हिमरस किसे निरूपित करता है। तो हिमरस जो है, अभी हमारी लड़ाई चल रही है रूस और यूक्रेन की, और अमेरिका का ये एक वर्ड है हमारा वहाँ सुनने को मिलता है हिमरस। हिमरस की फुल फॉर्म है हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, तो ये है रॉकेट सिस्टम। अब रॉकेट सिस्टम है तो ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, इसमें जो मिसाइलें हैं 80 किलोमीटर रेंज की मिसाइलें हैं जिन्हें इनसे छोड़ा जा सकता है। तो जो हिमरस है ये अमेरिका
ने कहा है कि हम किसे देंगे, हम यूक्रेन को देंगे ताकि वो क्या है रशिया से लड़ाई कर सके। तो यूएसए जो है वो यूक्रेन को दे रहा है हिमरस, यानी कि जो कि है हमारा रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, और ये कौन से क्षेत्र की सुरक्षा के लिए दे रहा है, तो ये डोनबास वाले हिस्से की सुरक्षा के लिए इसे दे रहा है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय निर्यातकों और विदेशी क्रेताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केंद्र के रूप में किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो भारतीय निर्यातक जो हम सामान भेजते हैं और विदेशी क्रेताओं, तो विदेशी क्रेता जो मतलब खरीदते हैं तो उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में एक पोर्टल शुरू किया गया है, और वो कौन सा पोर्टल है, तो ये है हमारा ऑप्शन सी भारत व्यापार पोर्टल। तो भारत व्यापार पोर्टल को शुरू किया गया है, मतलब भारतीय निर्यातकों और विदेशी क्रेताओं के लिए इसको शुरुआत की है, और किया किसने है, तो ये हमारा वाणिज्य उद्योग मंत्रालय है, इस मंत्रालय हमारा शुरू करा है। और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने कहाँ शुरू करा है, ये नई दिल्ली में शुरू किया गया है, और किसके द्वारा किया गया है, ये अनुप्रिया पटेल के द्वारा शुरू किया गया। तो हमें ये बात भी ध्यान रखनी है, पोर्टल है हमारा भारत व्यापार पोर्टल, किसने शुरू करा है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने, और कहाँ शुरू करा है, नई दिल्ली में, और किसने शुरू करा है, अनुप्रिया पटेल ने। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमें इतनी बातें ध्यान रखनी है। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और हम देखते हैं अब हमारा लास्ट वीडियो का क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग कर मेल डिलीवर किया है। तो इसका सही आंसर था गुजरात। हमारा आज का सवाल है, 1 जून 2022 को पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है। इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है, और आप आज की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़।